नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर धर्मवीर यादव है और मैं पिछले 15 वर्षों से नियमित योग की क्रियाओं का अभ्यास करवाता रहा हूं। और आज हम जानेंगे योगिक प्रैक्टिसेज, वार्म अप एक्सरसाइज, कि कैसे हमें वार्म अप करना चाहिए योग करने से पूर्व। क्योंकि अगर हम सीधा कोई भी आसन या प्राणायाम करते हैं तो बॉडी स्टिफ होती है, बॉडी टफ होती है, और जब हम वार्म अप के एक्सरसाइज कर लेते हैं तो मसल्स लूज हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है और फिर आसन करने में हमें फायदा होता है, उसका पूरा लाभ मिलता है। अगर हम बिना वार्म अप, बिना शरीर को गर्म किए हुए अगर हम कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं तो शरीर में कहीं भी खिंचाव आ सकता है, कहीं भी दर्द हो सकता है, मसल्स में पेन हो सकता है। तो किसी ट्रेजडी से बचने के लिए वार्म अप एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी होती है, बहुत ही उपयोगी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बिगनर्स के लिए जानेंगे, जिन्होंने अभी अभी योग शुरू किया है या ये वीडियो देखकर योग शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सी योगिक वार्म अप की एक्सरसाइज हैं, तो वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले, आपको कोई भी योग शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप खड़े होकर कहीं भी दोनों हाथ कमर पर रखकर और गर्दन का व्यायाम करते हैं, श्वास भरते हुए पीछे जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे आते हैं, ठोड़ी को कंठकूप में लगाते हैं, ऐसे 3 से 5 बार ये क्रिया आपको करनी होती है। इससे ब्रेन को ताजा ऑक्सीजन मिलती है और हमारा शरीर और मन एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे दूसरा अभ्यास, श्वास खाली करते लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, सेंटर में श्वास लेना होता है और दाएं बाएं श्वास को छोड़ना होता है। ऐसे गर्दन का तीसरा अभ्यास, कंधे के ऊपर से देखना है पीछे, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए सेंटर में, श्वास को छोड़ते हुए पीछे देखना है। इसके बाद गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज, फिर गर्दन को क्लॉकवाइज। गर्दन के अभ्यास के बाद हम कंधे का वार्म अप करते हैं। सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज 3 से 5 बार, फिर क्लॉकवाइज, श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। इसके बाद कमर का वार्म अप करते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पैरों में थोड़ा डिफेंस और भी कर सकते हैं। फिर ऐसे ही वापस। इसके बाद घुटनों का अभ्यास, दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे और साइड से बाहर से घुटनों को लाते हुए नजदीक लाएंगे। ऐसे 3 से 5 बार इसका अभ्यास आप कीजिए। फिर ऐसे ही पहले घुटनों को टच करेंगे, फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ लेके जाएंगे। बसर्त आपके घुटनों में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस अभ्यास के बाद हम करेंगे पैर का अभ्यास। लेफ्ट लेग को आगे लेकर जाएंगे और इसको क्लॉकवाइज 3 to 5, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज। फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऐसे ही राइट लेग से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसके बाद दोनों हाथ सामने करते हुए श्वास लेते हुए हाफ चेयर पोज, फिर ऊपर उठेंगे, श्वास भरते हुए फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर उठेंगे।
ऐसे 3 to 5 टाइम आप ये अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास, हाथ आपके जान के पास रहेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आप आगे के 3 to 5 पोस्चर में अपनी एडी को उठा सकते हैं, अगला अभ्यास दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे, यहां श्वास भरना आपको और धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाना है, श्वास खाली करते हैं, चेंज, स्पीडली भी आप इसको कर सकते हैं धीरे धीरे। ये अभ्यास, इसके बाद हाथों को इंटरलॉक करेंगे, सामने लेकर जाएंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर लेकर आएंगे, पैरों में लगभग 1 से 1.5 फीट का अंतर रहेगा, ऊपर इनहेल करेंगे और एक्जेल करते हुए सबसे पहले राइट साइड, इनहेल एक्जेल, इनहेल एक्जेल, इनहेल एक्जेल, धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। इसके बाद अगला अभ्यास, एक पैर को आगे लेकर जाएंगे, दूसरे पैर को पीछे रखेंगे, एक रेखा में रहेंगे दोनों पैर और आगे घुटने को पकड़ भी सकते हैं, प्रारंभ में आप कर रहे हैं तो बैलेंस बनना मुश्किल होता है, ये हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए अच्छा अभ्यास माना गया है। शुरू में आप कर रहे हैं, बिगनर हैं तो आप इसको पकड़ सकते हैं, सहारा दे सकते हैं, ऐसे दूसरी तरफ नजर सामने रहेगी आपकी, अगर आपका बैलेंस बन जाता है तो आप दोनों हाथों को फ्री कर देंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को श्वास भरते ऊपर लेकर जाएंगे, थोड़ा सा पीछे दबाएंगे इनहेल करते हुए, फिर धीरे धीरे वापिस, इसके बाद राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को राइट लेग के पास रखेंगे और राइट हैंड को ऊपर लेकर जाएंगे, गर्दन ऊपर की तरफ ही घुमाएंगे, हथेली को देखना है, वापिस आ जाएंगे। इसके बाद आप श्वास भरते हुए हाथों को फोल्ड करना है, मुट्ठी बंद रहेगी, श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ फेंकना है,
ऐसे 10 से 20 बार अभ्यास ये कर सकते हैं। श्वास को बाहर निकालना है जब आपके हाथ आगे जाते हैं, श्वास लेना है जब हाथ फोल्ड करते हैं, ये स्पीडली करना है आपको। अगला अभ्यास, हाथ चौड़े कर लेंगे, श्वास भरते हुए ऐसे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे। इसी का ही अगला अभ्यास, मतलब यहां हल्का श्वास भरना, यहां पूरा श्वास भरना, यहां हल्का खाली करना, यहां पूरा खाली करना। शरीर थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है, कुछ मसल्स बॉडी की खुल चुकी हैं और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया है और आपके शरीर में स्वेट यानी पसीना आना भी शुरू हो जाता है और अब धीरे धीरे आप योगिक जॉगिंग का भी अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे मुट्ठी बंद रहेंगी आपकी, ऐसे आप मुस्कुराते हुए जोगिंग जोगिंग का अभ्यास कीजिए। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहेगी, आप देखिए, आप इसको थोड़ा स्पीडली भी करना चाहें, आप बिगनर्स हैं लेकिन युवा हैं, युवा जोश है आपके अंदर, तो आप थोड़ा इसको पीछे हिप्स के भी एडी को टच कर सकते हैं। ऐसे ये योगिंग जोगिंग का अभ्यास था। इसके अलावा आप श्वास भरते हुए थोड़े से पैरों में लगभग 1 से 1.5 फीट का अंतर रहेगा, हाथ फैलाइए, श्वास खाली करते हुए सिकोड़ना आगे से और ठोड़ी को कंठकोप में लगाना है। यह अभ्यास भी आप लगभग 10 बार कर सकते हैं। इसके बाद श्वास भरते हुए हल्का पीछे जाएंगे, श्वास खाली करते हुए आगे, इसको भी आप धीरे धीरे कर सकते हैं या आप युवा हैं तो आप इसको थोड़ा स्पीडली भी कर सकते हैं। ऊपर श्वास लेना है, नीचे श्वास को खाली करना है। आप दूसरे एंगल से भी देख लीजिए, आपका शरीर पूरी तरह से वार्म अप हो चुका है। इसके बाद आप सूर्य नमस्कार और दूसरे जो आसन है उनका अभ्यास बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप बॉडी में और भी स्ट्रेच करेंगे तो कहीं भी कोई इंजरी के चांस नहीं रहेंगे, यानी आप इंजरी से बच जाएंगे। मसल स्टिफ है तो वो भी खुल जाती है, स्ट्रेचेबल हो जाती है। तो ये कुछ आज हमने योगिक एक्सरसाइज बताई, वार्म अप एक्सरसाइज बताई, तो आप सबका धन्यवाद। टू वॉच फुल वीडियो एंड मोर डीप प्रैक्टिस ऑफ योगा डाउनलोड योगपथ ऐप नाउ।